प्राणम् ओम नमो आयनियाणम् ओम नमो उपच्छायाणम् नमो लोय सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्।
दान मापोई माने मार्ग मोक्षनु करुणायुपजे जोई बाह्य क्रिया अंतर भेदन काई ज्ञान मार्ग निषेधता तेह पिया जग आही बंध मोक्ष छेकल्पना सफल तो जो सह आत्म ज्ञान तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तरानी दान त्याग वीरा अटके त्याग विराग मान तो भूले निज भान ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे ताहां समझूं ते त्यां त्यां ते ते आचरे आत्माथि जनेर सेवे सद्गुरु चरणे त्यागी दई निज पक्ष निज पदनो रे लक्ष आत्म ज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयो अपूर्व वाणी परमशो सद्गुरु लक्षण योग्य प्रत्यक्ष सद्गुरु समनहि परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष थया विना उगे न आत्मविचार सद्गुरु ना उपदेश वर्ण समझायन जिन रूप समझावन उपकार शो समझे जीन स्वरो आत्मा दिया
मता थी लक्षण बाह त्याग पण ज्ञान ने ते माने गुरु सत्य अथवा निज कुल धर्म ना ते गुरु आज मम जे जिन देह प्रमाण ने समवसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननु रोकी रहे निज बुद्धि प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां वर्ते दृष्टि विमुख असद्गुरु निज मानते मुख्य देवादि गति भंग मां जे समझे श्रुत ज्ञान माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान लहु स्वरूपन वृत्तिनु ग्रहु व्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमात्मने ले लौकिक मान अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमान लोपे सद व्यवहार ने साधन रहित ज्ञान दशा पाम्यो नहीं साधन दशान कानी पामे तेनो संग जे ते बूढ़े भवमानी ए पण जीव मतात्मा निज मानाधिकार पामे नहीं परमात्मने अन्य अधिकारी मान नहीं कषायुक शांतता नहीं अंतर वैराग्य सरलपणु नमध्यस्तता ए मताति दुर्भाग्य लक्षण कहा मतार्थिना मतार्थ जावाका हवे कहूँ आत्माथिना आत्म अर्थ सुख सार आत्मार्थी लक्षण आत्म ज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु हो बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मा
भी नहीं जो प्रत्यक्ष सद्गुरु प्रापिनो गणे परम उपकार त्रणे योग एकत्व की वर्ते एक होय त्रण काल मां परमार्थ नो पन प्रेरिते परमार्थ ने ते व्यवहार सम एम विचारी शोधे सद्गुरु योग काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रो कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिधाश भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास दशान एरी जासुधी जीव लहे नहीं जो मोक्ष मार्ग पामे नहीं मते न तर रो आवे क्या एवी दशा सद्गुरु बोध सुहाय ते बोधे सुविचारणा क्या प्रगटे सुखदाय ज्ञा प्रगटे सुविचारणा क्या प्रगटे निज ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह थे पामे पद उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाए गुरु शिष्य संवाद थी भाखू शत पद षटपद नाम कथन आत्मा छे ते नित्य छे छे कर्ता निज कर्म छे भोक्ता वली मोक्ष छे मोक्ष उपाय सुधर्म षट स्थानक संक्षेपमा षट दर्शन पणते समझावा परमार्थने कहा ज्ञानिये शंका शिष्य उवाच नथी दृष्टि मायावतो नथी जनातो
अथवा देहजयात्मा अथवा इंद्रिय प्राण मिथ्या जुदो मानवो नहीं जुदो पट आदि जे माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय ए अंतर संकातनो समझाओ सदुपाय। समाधान सद्गुरु उवाच भास्यो देहाभ्यास थी आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे देहाध्यास थी आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असीने ज्ञान जे दृष्टा छे दृष्टिनो जे जाने छे रूप अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप छे इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय इंद्रिय ना विषयनु पण आत्मा ने भान देहन जाने ते हने जाने न इंद्रिय प्राण आत्मा नी सत्तावरे देह प्रवते सर्व अवस्थाने विषे न्यारो सदा जनाय प्रगट रूप चैतन्यमय ए भान सदा घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान जाननार ते मान नहीं कहिए के उंगान परम बुद्धि कृश देह मान सूर देह मतिय देह होय जो आत्मा घटे न आम विकल्प जड़ चेतन नो भिन्न छे केवल प्रगट स्वभाव एक पुण पा
नहीं। त्रणे कार द्वय भाव आत्मानी शंका करे, आत्मा को ते शंकानो करनारते अचरजे हयमा। शंका शिष्य उवाच, आत्मानास्ति त्वना आपे कहा प्रकार संभवते नो थाय छे अंतर करे विचार। बीजी शंका थाय त्यां आत्मा नहीं अविनाश देह योग उपजे देह वियोगे नाश। अथवा वस्तु क्षणिक छे क्षणे क्षणे पलटाय ए अनुभव थी पण जनाय। समाधान सदगुरु उवाच, देह मात्र संयोग छे वड़ी जड़ रूपी दृश्य चेतन ना उत्पत्ति लय पूना अनुभवश जेनाय अनुभवश उत्पन्न लय नुग्नान ते ते थी जुदा विना थायन के संयोगो देखिए ते ते अनुभव दृश्य उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष जड़ थी चेतन योपजे चेतन थी जड़ थाय एवो अनुभव कोई ने क्या रे कभी न थाय। कोई संयोग उत्पत्ति थाय नाशन तेनो कोई मान तेथी नित्य सदाय। क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिक जन्म संस्कार ते जीव नित्यता त्याय। आत्मा द्रव्ये नित्य छे पर्याये पलटाय बा
अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जानी वदनाय वदनारो ते क्षणिकनै करयनुभव निधा क्या रे कोई वस्तुनो केवल होयन नाश चेतन पामे नाश तो हे मा भय तपास। शंका। शिष्य उवाच, कर्ता जीवन कर्मनो कर्म जे कर्ता कर्म अथवा सहज स्वभाव का कर्म जीवनो धर्म आत्मा सदा असंगने करे प्रकृति बंध अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव यवन माटे मोक्ष कोई न हेतु जनाय कर्म तनु कर्तापनु काही कानी जाए। समाधान। सदगुरु उवाच, होयन चेतन प्रेरणा कोण ग्रहे तो कर्म जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जो विचारी धर्म जो चेतन कर तू नथी थतान थी तो कर्म तेथी सहज स्वभाव नहीं तेम ज नहीं जीव धर्म केवल भूत असंग जो भासत तने न के असंग छे परमार्थ थी पण निज भाने ते करता ईश्वर कोई नहीं ईश्वर शुद्ध स्वभाव अथवा प्रेरक ते गए ईश्वर दोष प्रभाव चेतन जो निज भान मान करता आप स्वभाव वर्ते नहीं निज भान मान करता कर्म प्रभाव। शंका। शिष्य उवाच, जीव कर्म करता कहो पण भोक्ता नहीं सो
माटे मोक्ष सुजान।
त्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव देहादिक संयोग नो आत्यंतिक वियो सिद्ध मोक्ष शाश्वत परे निज अनंत सुख हो। शंका शिष्य उवाच होय कदापि मोक्षपद नहि अविरोधयोपाय कर्मो काल अनंतना साथी छे अथवा मत दर्शन घड़ा कहे उपाय अने ते मत साचो कयो बने सदगुरु उवाच पांचे उत्तर थी थई आत्मा विषे प्रति थाशे राग द्वेष यज्ञ
वीतराग पदवास केवल नीज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण वर्ते नीज स्वभाव मान अनुभव लक्ष प्रति वृत्ति वहे निज भाव मान परमाथे संके वर्धमान समकीत थई टाड़े मिथ्या भाव उदय थाय चारित्रनो वीतराग पद स्वास केवल नीज स्वभाव वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निवान कोटि वर्ष नु स्वप्न पण जागृत थता समाय तेम विभावयनादिनो ज्ञान थता दुर्थाय छूटे देहाभ्यास तो नहीं करता तुम कर्म नहीं भोगता तुम तेहनो एज धर्म नो मर्म एज धर्म थी मोक्ष छे तुम छो स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान तुम अयाबाध स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू कहीं के तेरू कर विचार तो पान निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवि यत्र समाय धरी मौनता सहज समाधि शिष्य बोध बीज प्राप्ति कथन सदगुरु नाय उपदेश थी आयु अपूर्व निज पद निज माही लहू दूर थयू अज्ञान भास्यू निज स्वरूप ते शुद्ध चेतनारो अजर अमर अविना देहातीत स्वरूप कर्ता भोक्ता कर्मनो
विभाव वर्ते जान वृत्ति वही निज भाव थयो अकता अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना कर्ता भोक्ता ते हनु निर्विकल्प स्वरूप मोक्ष करो निज शुद्धता ते पामे ते पन समझाव्यो संक्षेपमा सकल मार्ग निगम अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार सुन प्रभु चरण कने धरूं आत्मा थी सौहिं ते तो प्रभु ये आपियो वर्तूं चरणाधि आज थी वर्तो प्रभु आधि दास दास हूँ दास छू तेह प्रभु रोगी षट स्थानक समझाई ने भिन्न बतायो ज्ञान चकी तरवार ए उपकार दर्शन शटे शमाये छे आशत स्थान कमानी विचारता विस्तार थी संशय रहे न कानी आत्म भ्रांति समरोग नहीं सद्गुरु वैद्य सुजान गुरु आज्ञा समपथ नहीं औषध विचार ध्यान जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ भवस्थिति आदि नाम लै छेदो नहीं आत्मार्थ निश्चय वाणी सांभरी साधन तजवानो निश्चय राखी रक्षमा साधन करवासो नय निश्चय एकांत की आमान की कहे एकांत देह हार नहीं
रहे। गच्छमत नीजे कल्पना ते नहीं सदव्यवहार, भान नहीं निज रूपनु तेरी शय नहीं सा। आगर नानी सही गया वर्तमान माहो थाशे कार भविष्य मार्ग भेद नहीं को। सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय, सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण मान। उपादान नाम तजे पावे नहीं सीधने रवे भांति माती। मुख थी दान कथे अरे अंतर छुट्यो न मो ते पामर प्राणी करे। मात्र ज्ञानी नो दो दया शांति संता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य हो यम मुक्षु घट विषे एह सदाय सुजाग। मोह भाव क्षय होय ज्ञान अथवा होय प्रशान। ते कहिए नानी दशा बाकी कहिए धाम। सकल जगत तीर्थव अथवा स्वप्न समान। ते कहिए नानी दशा बाकी वाचाना। स्थानक पांच विचारिने छठे वर्ते जेह पामे स्थानक पांच मूल ए मान संदेह। देह छता नमो नमः। अहो अहो श्री सर।
सुन प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा की सोहिं ते तो प्रभु ये आपियो, वर्तुं चरणाधीन आज थी, वर तो प्रभु आधीन दास दास हूँ दास छू, आप प्रभु मोदी षट स्थानक समझाई भिन्न बतायो ज्ञान थकी तरवार ए उपकार जेह स्वरूप समझाविना समझारू ते पदनमु श्री सदगुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम जीने चरण हो वंदन यज्ञ